हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 8 प्रो के बारे में, जो कि अभी हाल ही में 19 जुलाई 2022 को लॉन्च हुआ है। इसके अंदर सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। अपन पहले हर बार डिस्प्ले से बात करते हैं, इस बार मैं आपको पहले परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद अपन डिस्प्ले की बात करेंगे एंड बाकी सारी बातों को लेते हुए चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक। अगर आपको इसके सारी स्पेसिफिकेशन जानना है और आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी पता करते हैं कि अपने को क्या फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर एंड तक देखते रहिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल आर्किटेक्ट। मेरा नाम है नवदीप कुकरेजा और अब मैं आपको बताने वाला हूँ ओप्पो रेनो 8 प्रो के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि अपन बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर अपने को मीडिया टेक का 8100 वाला मीडिया प्रोसेसर मिलने वाला है और जितने भी इसके स्पेसिफिकेशन है ऑक्टा कोर और क्वाड कोर वो सारे मैं आपको यहाँ पे दिखाई रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये सारी परफॉर्मेंस क्वालिटी के साथ अपने को ये देखने को मिलेगा। अब अपन चलते हैं अपने डिस्प्ले के ऊपर। तो इसके अंदर अपने को 6.7 इंचेस की डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। साथ ही में अपने को ये 900 निट्स तक की ब्राइटनेस भी अवेलेबल करवाती है। साथ में जो भी डिस्प्ले की डिटेल है वो आपको मैं पूरी डिटेल यहाँ पे शो कर रहा हूँ, उसको आप देखते जाइए। तो अब अपन बात करेंगे कैमरा को लेकर। तो इसके अंदर अपने को ट्रिपल कैमरा मिलने वाला है, 1 is 50 megapixel, देन 8 megapixel, देन 2 megapixel एंड देन फ्रंट का जो अपने को कैमरा मिलेगा वो। तो 50 megapixel अपने को वाइड एंगल कैमरा मिलेगा एंड 8 megapixel अल्ट्रा वाइड एंड 2 वाला मैक्रो कैमरा है, जो कि ज़्यादातर किसी काम नहीं आता लोग भागों के, बस वो दिखाने के लिए होता है। इसका पीछे का बहुत ही एक यूनिक सा पैनल दिया हुआ है, अपने को काफ़ी बड़े बड़े कैमरा दिए हुए पीछे जो कि दिखने के अंदर काफ़ी बड़े और एक अपने को यूनिक डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। इसका जो केस है वो भी अच्छी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलने वाला है अपने को इस बॉक्स के अंदर। साथ ही में अब अपन बात करें इसकी बैटरी को लेकर और इसके चार्जर को लेकर। तो इसके अंदर अपने को 405,000 mAh की बैटरी मिलने वाली है विद द 80W चार्जर, जो कि गारंटी लेता है कि 28 मिनट्स के अंदर आपके फ़ोन को 0 to 100% लेके जाएगा। रैम रहने वाली है तो 12 GB की रैम है और 256 GB की स्टोरेज है। अभी तक ये एक वेरियंट के अंदर ही निकल के आया है विद द 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज। जैसे ही अपने को अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलेगा मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा, अब वहाँ से जाके इसको देख सकता है। और इवन अगर आपको ये फ़ोन पसंद आ जाए इस रेंज के अंदर, ये अप्रॉक्स अभी 46,000 या 40 के अबव के अंदर ये स्मार्टफोन अपने को देखने को मिलेगा। तो अगर ये आपको इस प्राइस का पॉइंट अगर आपको ये इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर पसंद आए तो आप इसको जाके जरूर देख सकते हैं, वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। साथ ही में अगर वीडियो अच्छी भी लगी हो तो चैनल को लाइक कर, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोग बोलते ही हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।